400 पार नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न आज 8 मई दिन बुधवार। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। आज कठकंदा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न शक्ति केंद्र में पथ सभा किया गया, जिसमें इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार सफल करना और फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को 5 लाख से ज्यादा बहुमत जिताने का संकल्प लिया है। झारखंड सरकार के मंत्री आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के यहाँ असगर अली के यहाँ करोड़ों रुपया जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार ने झारखंड में लूटखंड बनाने का काम किया है। ईडी ने कांग्रेस के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से 40 करोड़ रुपया बरामद हुआ है और ये पैसा ऐसा अनुमानित होता है कि ये वोट में खरीद फरोख्त के लिए ये पैसा रखा गया था। और ये तो एकमात्र टेलर है कि एक ऐसे ऐसे कई मंत्रियों के पास ऐसे पैसे हैं और अगर ईडी तत्परता से जांच करेगी तो 100 करोड़ से भी ऊपर पैसा निकलने का अनुमान लगता है। और ये विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लोकप्रियता से घबरा गए हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, खरीद फरोख्त करने में ये लोग लगे हुए हैं और उसी का एक ये नमूना प्रस्तुत हुआ है। विवेकानंद सिंह, जिला अध्यक्ष, हजारीबाग। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर में अकूत मात्रा में नोट बरामद हुए हैं, क्या कहने का? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जो भ्रष्टाचार में कितने नीचे तक जा रही है। जब सचिव के नौकर के यहाँ इतनी भारी मात्रा में कैश पकड़ा जा रहा है, एक तरफ राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी को उठाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो कभी नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी मजबूत हो। दिशाहीन हो गई है, विवेकहीन हो गई है और इनके जितने भी राज्य स्तर के नेता हैं सिर्फ लूट खसोट में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कांग्रेस पार्टी का यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहाँ दिनों दिन इनके जो भ्रष्टाचारी नेतागण बटे हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं जिस विभाग में भी हैं, और जिस तरह से इन लोग का कार्यकलाप है और जिस तरह से इन लोग कमीशन अपना बढ़ाए हुए हैं और जिस तरह से कमीशन ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला भी नहीं। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी बोलने को कुछ और है और करने को कुछ और है। सिर्फ एक संप्रदाय के बल पे ये कांग्रेस पार्टी चल रही, वरना कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा लेने वाला नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बैठने के लिए बूथ में आदमी नहीं मिलेगा, इस तरह का कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। और हमको तो अफसोस हो रहा है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी आज़ादी के लिए लड़ी थी, जानी जाती थी, और आज वही कांग्रेस पार्टी है जो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती। देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव में प्रयोग हो या पर्सनल प्रयोग है, ये भ्रष्टाचार का ही पैसा है। और जिस तरह से बंडल में नाम लिखा गया, किससे किससे कमीशन लिया गया, हम तो मांग करेंगे जल्दी से जल्दी जो इस लोग इसमें संलिप्त हैं उनको जेल भेजा जाए और ऐसा सबक दिया जाए कि फिर से भ्रष्टाचारियों लोग का होश खड़ा हो जाए। कि और मोदी जी का नाम लेते हैं कि ईडी का सहारा लेते हैं, तो किस चीज़ का सहारा लेते हैं? अगर आप इतना पैसा लूटेंगे तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो आपके पीछे पड़ेगी ही। अगर आप ये तरह का कुकर्म ना करें तो क्यों पीछे पड़े? और सबसे हंसी तो एक लगता है, एक कांग्रेस के प्रवक्ता कल बोल रहे थे कि देखिए अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, इतने ज़्यादा मात्रा में पैसा पकड़ने की क्या जरूरत थी, पकड़ना था तो कम पैसा पकड़ती। बताइए क्या सोच है कांग्रेसियों का? मैं प्रदीप प्रसाद, भाजपा नेता और समाज सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का तह तक गया हूँ और मैं जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह के लोग बैठ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश अब तय हो गया है।